तो आपका कहना है कि आप सुबह सब्जी लेने के लिए शंकर मार्केट गई, वहाँ कुछ बाइक सवार लुटेरे जबरदस्ती आपका लॉकेट छीन ली और भाग गए। जी बिल्कुल। तो बाइक पर कितने सवार थे, एक या तीन? दो। जिस बाइक पे लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था उस बाइक का नंबर क्या था? देखिए नंबर तो हमने देखा नहीं। अरे काहे नहीं देखे, चश्मा नहीं पहने थे का? देखिए कीचड़ लगा हुआ था। चश्मे पे कीचड़? चश्मे पे कीचड़ कौन लगाता है, नंबर प्लेट है ना, उसके ऊपर कीचड़ लगा हुआ था तो नोट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। साहब हमें तो लगता है कि उन्होंने जानबूझकर नंबर प्लेट पर कीचड़ बल दिया था ताकि नंबर प्लेट दिखाई ना दे। मेक सेंस। लुटेरे अगर लूट को अंजाम देने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि नंबर प्लेट की नुमाइश तो करेंगे नहीं। चलिए नंबर ना सही, आपने तो उन लुटेरों को तो देखा ही होगा, कैसे थे दिखने में, मतलब उसकी कदकाठी, कोई स्पेसिफिक पहचान जिससे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सके और पकड़ सके? देखिए शक्ल तो हम ठीक से देख नहीं पाए थे, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन अगर हमारे सामने आएंगे तो हम उन्हें जरूर पहचान लेंगे, मतलब हजार लोगों की भीड़ भी होगी ना साहब तो भी हम पहचान लेंगे। कुछ तो किया होगा आपने, हाथ पैर तो चलाए ही होंगे। हाँ चलाए ना, देखिए हमारे पास ये हमारी बैग थी ना, तो हमने इसे उन्हें मारने की कोशिश की और रोकने के, हम भागे भी उनकी बाइक के पीछे लेकिन तब तक वो चले गए थे। ठीक है आप हमको करके दिखाइए किस तरह से आपने अपने आप को बचाने का कोशिश किया था, आप डेमो दीजिए। लेकिन देखिए ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, प्लीज शुरू हो जाइए, चलिए कीजिए। तो देखिए हम ऐसे खड़े थे तो उनको ऐसे मारने की कोशिश की। ठीक है कंटिन्यू बस हो गया वो क्या खुर बस इतना। हाँ ठीक है बैठे। देखिए खाला जी आप बुरा मत मानिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब आपने जानबूझ के किया है, हो सकता है हसीना जी ने आपको मजबूर किया हो झूठ बोलने के लिए, हो सकता है उन्होंने आपको मोहरा बनाया हो की थाना को बचाने के लिए। बंद कीजिए ये सब, आपकी बकवास की पे बकवास सुने जा रहे हैं? अरे समझते क्या है आप अपने आप को, और आप क्या समझते हैं हमें, और किसे झूठा बोल रहे हैं आप? हसीना मलिक को, जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी सच के लिए लड़ते लड़ते, अपने वजूद तक कर झोंक दिया उसे इस सच के लड़ाई के लिए, उसे आप ये इनाम दे रहे हैं झूठा बोल के? अरे हालत देखिए क्या हो गई है मेरी बच्ची की, आपके इस बढ़ती फर्ज और सच के लिए लड़ते लड़ते हमें तो ये तक भी याद नहीं है कि हमने आखिरी बार उसे कब मुस्कुराते हुए देखा था। हमारी गोद में पली बड़ी है, हमारे सामने बड़ी हुई है, हमसे कोई अच्छी तरह से नहीं जान सकता उसे। हसीना मलिक अपने सच के लिए, वर्दी के लिए, फर्ज के लिए अपनी जान दे सकती है लेकिन कभी गद्दारी नहीं कर सकती। हसीना मलिक झूठी नहीं और ना ही उसकी ये खाला। मैडम सर के ऊपर लगे ये बेबुनियाद इल्जाम को हम हटाते रहेंगे। शिवानी हम बाहर खड़े हैं, कुछ जरूरी बात करना है तुमसे। कहीं कोई खतरा दिखे तो हमला बोल देना और सबने बता दे।
करिश्मा सिंह, क्या चाहिए तुझे अब शिवानी दाई से? क्या हुआ? आज पुलिस के हैसियत से बात नहीं करना है तुमसे, मामला थोड़ा पर्सनल है। अकेले में बतियाना है और वो ना तो तुम्हारे यहाँ हो सकता और थाने में हम करना नहीं चाहते, तो हमको कहीं और जाके बात करना होगा। तो तुम आओगी हमारे साथ अकेले में? कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, जानना तो पड़ेगा। जिज्जी तू कहीं ना जा रही है, मना कर दे इसे। अब दुश्मन पे भरोसा करेगी के? दुश्मन पे ही तो भरोसा करना चाहिए बिन्नी, क्योंकि ये लोग सामने से वार करते हैं। डरना तो उन दोस्तों से चाहिए जो पीठ पीछे वार करते हैं। कौवा, डर लग रहा है हमारे साथ अकेले आने में? डरना तो तुझे चाहिए करिश्मा सिंह, कहीं शिवानी अकेले में बेकाबू हो गई तो संभालने वाला कोई भी नहीं है। रुक, आती हूँ। तूने कहा था ना कि आज तू मुझसे पुलिस वाली की हैसियत से मिलने नहीं आई है, तो फिर ठीक है, मैं भी आज तुझसे शिवानी बनकर मिलूंगी, शिवानी ताई ने। चल, कहां पर चलना है? दुश्मन के साथ जा रही है जीजी, मणे कुछ ठीक ना लग रहा है। शिवानी है वो बिन्नी, अकेली भी किसी जलजले से कम नहीं है, और करिश्मा सिंह को भी हम इतना तो जान ही गए हैं, दुश्मनी भी सलीके से निभाने वाले में से है वो। फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। चल चल, ठीक है, मान ली तेरी बात, अब तू मारा काम कर, मारा फोटो सेशन कर। चल, अरे ढंग से तैयार हो के आ, जैसी चुड़ैल जैसी शक्ल की फोटो वेबसाइट पे डालेगी ना तो जिन्नों और भूतों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, अच्छे लड़कों की नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, जा रही हूँ। जब देखो तब बुढ़िया हमारी बेइज्जती करते रहे। कुछ ना, जा रही हूँ। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो। अरे गुरुजी, आपके टोटके ने तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। आपने जो टोटका बताया था ना कुर्सी के बीच में कील ठोकने वाला, उससे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। आप क्या बताएं आपको, कील ऐसी जगह लगी है ना गुरुजी कि सबकी कुर्सियां खतरे में आ गई है। लगता है तुम्हारी मुश्किलें दूर नहीं हुई। जी, हमारे बेटे की मुश्किलें ना कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है, अब क्या बताएं आपको। बेटी, पर करिश्मा सिंह तो आपकी बहू है ना? नहीं नहीं, हम हसीना मैडम की बात कर रहे हैं, हम तो उन्हें हमारी बेटी से बढ़कर मानते हैं ना। ये जो सारे टोटके कर रहे हैं ना हम गुरुजी, ये सब हम उनके लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि उन पर ये जो सारी मुसीबतें आ रही है ना भर भर के, वो सारी टल जाए और वो हमारी पहली वाली हंसती खेलती सब में खुशियां बांटने वाली मैडम सर बन जाए। आपको पता है जब भी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं ना, हमारे जिंदगी के आधे से ज्यादा दुख तो वैसे भी कम हो जाते हैं। उनको हम ऐसे नहीं देख सकते, हमारा कलेजा टूटता है उन्हें ऐसा देखकर। कुछ भी कीजिए, कुछ भी टोटका कीजिए, जो करना है बताइए, हम सब करने के लिए तैयार हैं, अगर उन्हें सारी मुश्किलों से बचाइए। अरे घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे टोटका उसी का फेल होता है जिसने कोई अधर्म किया हो। तुमने तो कोई पाप या धर्म नहीं किया ना? अब क्या क्या बताएं गुरुजी, अनजाने में हो तो गया है हमसे बहुत बड़ा पाप कि हमने वो खाया गलती से। क्या वो? वो
होता है ना। बिल्ली? नहीं नहीं बिल्ली नहीं, बिल्ली नहीं, बिल्ली नहीं, वो ये तो तुमने अनर्थ कर दिया। हमने वो, मगर वो गलती से खा लिया, हमें नहीं पता था वो है। अब बकरे की माँ अपने बकरे का बदला लेने जरूर आएगी। आई थी गुरुजी, आई थी, मगर अब हमने ना उसे चकमा दे दिया। वो फिर आएगी, जब तक अपना प्रतिशोध नहीं ले लेती वो चैन से नहीं बैठेगी। इंसान अपना प्रतिशोध भूल सकता है लेकिन जानवर नहीं। हो सकता है कि उसके बेटे बकरे की आत्मा अभी भी भटक रही हो और वो अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आए। तुम तो गई बेटा, खुश रहो। अरे क्या क्या खुश रहो, क्या खुश रहो, कैसे खुश रहो। पुष्पा जी, माफ कर दीजिए मैडम सर, वो कुर्सी में कील ठोक सुना हमने और देखा भी, आपके टोटके वाली बात भी और एक माँ की अपनी बेटे के लिए फिक्र भी। तजुर्बा कहता है हमारा कि जब आजमाइश जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो समझ जाना चाहिए कि ऊपर वाले ने आपको एक खास मकसद के लिए चुना है। और आप तो हमें बहुत अच्छे से जानती हैं कि मुश्किलों के आगे हम कभी हार नहीं मानते, इस बार भी नहीं मानेंगे। साथ मिलकर और डटकर मुकाबला करेंगे हर मुश्किल का, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और हाँ प्लीज अब ये रोना धोना बंद कीजिए और बताइए, हमारी खाला को ठीक से घर भेज दिया ना। जी। कितनी अजीब बात है ना पुष्पा जी, हमारी वो खाला जिसने जिंदगी भर हमें सच कहने की सीख दी, आज उसे ही झूठ बोलना पड़ रहा है। थाने को बचाने के लिए झूठी रिपोर्ट लिखवानी पड़ी। मैडम सर, ऐसा तो नहीं है कि आपकी खाला सच में सच बोल रही है मगर आपका मन मानने को तैयार नहीं है। नहीं पुष्पा जी, ये सच हमारे हलक से नहीं उतर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आखिरकार होना तो सब कुछ अच्छा ही है। उधारी का पैसा देता कौन है? मैसेज आया, मैसेज आया, डेटिंग ऐप से आया होगा। रुक रुक रुक, दिल्ली बकवास, देख ले, बकवास दे, देख, रिप्लाई कर रहा है, दिल्ली रिप्लाई, दिल्ली रिप्लाई, दिस इज माय ऑर्डर, पकड़ के रखो इसको, स्टे ट्यून, उधर रहो प्लीज, कर रहा रिप्लाई। हां रिप्लाई करता हूं, रिप्लाई इन इंग्लिश, यू आर माय एग्जैक्टली माय ड्रीम गर्ल, ड्रीम, यस, जस्ट लाइक अ स्वप्न सुंदरी। अरे बिल्ले बिल्ले बकवास नहीं, बिल्ले ही जाग गया। रयू तो स्वप्न सुंदरी बोल रहा है। अरे हाँ ये तो आम बात है, स्वप्न सुंदरी, मनमोहिनी, जानू, प्रियतमा सब कहते मुझे। ये देखे देखे, रे थारे को ना बोल रहा है, मारे को बोल रहा है, यो देख। अब मैं क्या करूं, मैं उसे स्वप्न सुंदरा लिखूं क्या? दिमाग खराब हो गया? ये स्वप्न सुंदरा कुछ नहीं होता, तारीफ कर। तो पावड़ी हो गई क्या तू? इस बुढ़ापे में भी तारीफ करवा रही है अपनी? क्या मतलब बुढ़ी? अरे बुढ़ी होगी तू? अरे कमबख्त, वो कमेंट करने वाले लड़के की तारीफ करना, ऐसा कुछ लिख कि पढ़ते ही ना वो लड़का सिर्फ तेरे ही बारे में सोचे और उसकी रातों की नींद उड़ जाए। एक काम करती हूँ मैं ना, उससे उधार मांग लेती हूँ, उधार मांगूंगी ना तो उसकी रातों की नींद खुद ही उड़ जाएगी। उधार मांगना है ना तो थोड़ी अकल उधार मांग ले उससे। अरे कमबख्त, इसीलिए तो कोई लड़का नहीं पटता तुझसे। अरे मजाक कर रही थी, चल मैं उसकी तारीफ कर देती हूँ। हाँ लेकिन तहजीब से, नाजुक लफ्जों का इस्तेमाल कर, वो अपनी बाउंसरगिरी मत दिखा। लड़कों को ना बा अदब लड़कियां बहुत पसंद आती है। लड़कियां पसंद आती, लड़कियां गुड़िया नहीं। चुप कर। मैसेज आएगा, मैसेज आएगा, ए मैसेज आया, मैसेज आया, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लेता हूँ, शांति से, शांति बनाए रखे।
मुझे ऋतिक रोशन का हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। बागड़ बिल्लो आगे भी लिखा पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। ओरिजिनल फोटो भेजो। खत्म 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 पूरा खत्म। हो गया द एंड। हो गया तुम्हारा, हो गया ना, इसीलिए मना कर रहे थे। मत कर यार, सोचना भी मत, फोटो भेजने का। नहीं नहीं, आई एम बिल्लो द स्पाय, तुम्हें मदद करेगा तुम्हारा ये भाई। ऋतिक रोशन का हेयर स्टाइल उसको पसंद है ना, आई विल अरेंज एंड मैनेज। ऋतिक रोशन को, उसके बाल को। अच्छा, ऋतिक रोशन के बाल। जिंदगी भी इस कुल्फी की तरह है ना, अब जब मिल गई है तो इसके मजे लेने चाहिए, इसके टेस्ट के। वैसे भी पिघलने तो वाली है, जिंदगी भी खत्म होने ही वाली है। क्यों, अरे क्या हर बार इतने गुस्से में क्यों रहती है तू? जब देखो तब जरा सी बात पे तोड़ फोड़ मारा मारी। अरे किस बात का सैलाब दबा के रखा है मन में? सबका ना अपना जिंदगी में एक सैलाब होता है। हम सबका ही किसी ना किसी बात को लेके मन के अंदर मंथन चल ही रहा है। एक मिनट एक मिनट, ये क्या कर रही हैं? किसको भेज रही हैं? तुम्हारी जज्बातों वाली भाई को। का? उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि पुलिस करती है तो करने दो, लेकिन ये कुल्फी पुलिस और मुजरिम में कोई भेदभाव नहीं। अरे भैया नहीं, उनको मत भेजो, उनको नहीं पता कि हम आपके साथ हैं। क्या है कि हम नहीं चाहते कि उनको पता चले कि हम तुमसे ऐसे मिलने आए। क्यों क्यों नहीं बताना चाहती? अरे ऐसी क्या बात करनी थी तुझे मुझसे? देख मुद्दे पर आ और बता कि क्या हुआ। तुमने पूछा था ना कि हमारी जिंदगी में क्या सलाब है। दिक्कत यह है कि हम अपनी आंखों के आगे कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। कोई भी मुजरिम हमारी आंखों के सामने आता ना तो हमारा बस खून खौल जाता है और हमारा मन करता है कि हम उसी वक्त इंसाफ दिलाए तुम्हारी तरफ। हमें लगता है कि हमारा तरीका एकदम सही है इंसाफ दिलाने का, कि गरीब मासूम लोगों को हाथों हाथ इंसाफ मिल तो जाता है। लेकिन ये जज्बातों वाली भाई, हमारी थाना प्रमुख SHO हसीना मलिक, उन्होंने ना हमको ऐसा बांध दिया है ऑर्डर के नाम पे, हमारे भौकाल को ऐसे पैक करके एक साइड में फेंकवा दिए उन्होंने। उन्होंने हमारे ना ऐसे हाथ बांध दिए, अपंग बना दिया और फिर कहती कि जाके उन दरिंदों के सामने ड्यूटी करो। कैसे करें आप बताइए हमको? ये लोग लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले। इनको यही बात हमारे अंदर ना ऐसे चलती रहती है। हमें घुटन होता है बहुत ज्यादा, हमें इस घुटन से निकलना है। बस बहुत हो गया, हम नहीं सहन कर पा रहे हैं, समझ रहे हो आप? इसीलिए हम यहाँ आए हैं ताकि हम तुमको ये बोल सके कि हमारा तरीका एकदम सही है लोगों को इंसाफ दिलाने का। इस तरह मर मर के ड्यूटी करने से तो अच्छा है कि हम अपना वर्दी उतार कर वो करें जो हम करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे गैंग में शामिल हो जाएं हम। ये न्याय और अन्याय की जो लड़ाई है इसमें हम तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। अब नहीं सहन होता हमसे ये घुटन। हाँ सुन रही हूँ मैं। क्या हम तुम्हारी गैंग में तुम्हारे साथ शामिल हो सकते हैं? हमको मालूम है इतना जल्दी विश्वास नहीं होगा, हम भी तुम्हारी जगह होते तो हम भी ऐसा ही सोचते। क्या हम ठहरे पुलिस, हो सकता है कि हम कोई चाल चल जाए, कुछ गड़बड़ कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं है।
हम सच में ज्वाइन करना चाहते हैं तुम्हारा गैंग और तुम्हारे तरीके से, जो हमारा तरीका भी है, उस तरीके से लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। देखो, ये बात का यकीन कराने के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। हम परीक्षा देने के लिए तैयार है अजमाल। सोच ले, परीक्षा है, कड़ी होगी। परवाह नहीं, तुमको अपने आप पे भरोसा कराने के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, बस बोलो। तो ठीक है फिर, हसीना मलिक की खाला के पास जाओ और उसे बोल हसीना मलिक से ये केस लेकर चिंगारी संगठन के पास आ जाए। तभी मैं यकीन करूंगी कि तू जो कह रही है उसमें सच्चाई है। हम सच में ज्वाइन करना चाहते हैं तुम्हारा गैंग और तुम्हारे तरीके से, जो हमारा तरीका भी है, उस तरीके से लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। देखो, ये बात का यकीन कराने के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। हम परीक्षा देने के लिए तैयार है अजमाल। तो ठीक है फिर, हसीना मलिक की खाला के पास जाओ और उसे बोल हसीना मलिक से ये केस लेकर चिंगारी संगठन के पास आ जाए। तभी मैं यकीन करूंगी कि तू जो कह रही है उसमें सच्चाई है। कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझे पूरा विश्वास है कि हसीना मलिक की खाला झूठ नहीं बोल रही। उसकी बात में सच्चाई है, उसका केस सच्चा है। अब चिंगारी संगठन हसीना मलिक की खाला का केस सुलझाएगी। इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है हसीना मलिक के लिए? बोल, मंजूर है? मंजूर है। आ, थोड़ा पोछ कर, अच्छा पोछ कर। रे, मारी डेट है कि थारी डेट है? चल मारा फोटो खींच, ये ले, ये ले। दे दी ना। रुको। अब एक काम कर, तू जा, मेरे को थोड़ा सा काम है, ठीक है? ये ले, तू निकल, चल जा जा जा। शिवानी, तू तू क्या कर रही है यहाँ? अरे मैं तो घर की तरफ जा रही थी ताई, लेकिन तू इकड़े क्या कर रहा था? और ये कौन है? अरे ये अपना मुंह क्यों छुपा रही है? धूप धूप बहुत है ना, धूप। हाँ तो फिर अच्छी बात है ना, सर्दी की धूप है, उससे स्किन अच्छी होती है। ये इसको हुआ क्या? लेकिन ये चेहरा क्यों छुपा रही अपना? लो, मुझे क्या पता भाई कौन है वो। मैं तो बस ऐसे टहलने निकली थी, यहाँ से गुजर रही थी, तो इसने कहा मेरी दो फोटो खींचवा, मैंने कहा खींच देती हूँ। अब हो गया भाई, चल ले ले, तेरा कैमरा ले और जा यहाँ से बस। ए रुक, ए तेरा दिखा अपना पलट। अरे ताई, ताई ताई क्या हुआ? ताई, अरे कम कर चुप। अरे तो पाँव में चुप गया तो यहाँ क्यों हाथ रखा है? यहाँ डर गई थी ना। अरे तो मुझे क्यों डरा रही है? चल घर चल, अभी चल, अभी चल चल। अल्लाह ना, जाओ तुम लोग। एक तो सबसे पहले अंग्रेजी बोलना छोड़ दो। तुम्हें नहीं समझता ना? ठीक है, मैंने छोड़ दिया, लेकिन तुम हिलोगे नहीं। दो मिनट के लिए इधर ही बैठोगे। मैं आया, अभी आया।
रे दरवाजा क्या बंद कर रहा है दरवाजा? सेफ्टी के लिए बंद कर रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? इसीलिए मैंने दरवाजा बंद किया था ना, फॉर सेफ्टी। ऐका झाबरा सामान हाथ में लेके घूम रहे है तुम? अरे ये ऋतिक रोशन स्टाइल है, उस लड़की को पसंद है ना इसीलिए। ये देखो ऋतिक रोशन वाला हेयर स्टाइल। बिल्ले सुन, पता नहीं कौन सा भाषा में समझेगा यार तुम। तुमको 10 बार बोले भाई सब नहीं पसंद है, हमको लेके जाओ यार, हट। यार चिते, ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। ये तुम्हारी उदासी मुझसे नहीं देखी जाती। मैं वो तुम्हारा हंसता खेलता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ, पुराना चिता देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने दिल से संतोष जी को हटा दो। संतोष जी की जगह दूसरी लड़की ले ही नहीं सकती, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मन बहलाने के लिए, बस फन के लिए। देख जमता है तो ठीक है, नहीं तो देवदास बनने में कितना टाइम जाएगा। प्लीज मेरे लिए ट्राई करना प्लीज। यस यस व्हाट यू वांट, क्या केस है तुम्हारा? चीते निठल्ले एकदम ऋतिक रोशन, सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम ऋतिक रोशन। हाँ ये बात अपना दिल पर हाथ रख के बोल। चल फोटो खींचते, इधर 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 खड़े। बस करना है यार, कितना तुम्हारे कहने पर विग पहन लिए, सब कपड़ा ऐसा पहन लिया यार। चल पूछ दे, ये क्या है? ये पुलिस की वर्दी में है, सिविल कपड़े पहना ना, तो सिविल पोज दे मेरे भाई। ये बस यार ये सब चुप। यस क्या बात, देखो देखो कैसे लग रहे हो तुम। तो अच्छा लग रहा है यार बिल्ले। फिर आइए आइए बदनाम, इससे चाय पीजिए, जो भी चाय पिएगा उसकी जिंदगी सवार जाएगी, समझ है कि नहीं? एक जहर पिला बदनाम। अब पिलाया। अबे चपड़ गंजो, इंग्लिश पढ़ रहा, वेरी गुड। हे शिवजी, कितना बड़ा अनर्थ हो गया हमसे। अनजाने में हमने मटन खाया, पाप किया, और हमारे पाप की सजा हमारे बेचारा थाना भुगतेगा। ऐसे कैसे हो गया हमसे? और ऊपर से गुरुजी अलग से डरा के रखा है हमें कि जिस बिट्टू का मांस हमने खाया उसकी आत्मा हमसे बदला लेने के लिए जरूर आ जाएगी। ऐसे ऐसे कैसे आत्मा, आपसे कैसे? एक बार ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? हाँ अबे एक बार क्या हुआ? कौन एक बार? हम बिट्टू हैं। कौन बिट्टू? जिसको तुमने कट्टू करके खाया था। बुढ़ापे मटन खाओगी? हम बदला लेने आए हैं। बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ, बचा, अरे बचा। अरे बकरे तेरा क्यों फड़फड़ा रहा है तू? अम्मी अम्मी पुष्पा, मर्डर मर्डर बचाइए, पुष्पा पुष्पा, पत्थर ही पत्थर, मर्डर। तुम मेमना है बिट्टू, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मारेंगे। मर्डर मर्डर मर्डर। अरे क्या मैडम साहब, हट जाइए हट जाइए, वो बकरा है। एक मिनट पहले बताइए तो क्या बक रहा है ये? वो बक नहीं रहा है, वो बकरा है। और ये वही बिट्टू है जिसको कट्टू करके हमने खाया गलती से, उसी की आत्मा इसके अंदर आ गया। हट जाइए, आप हम नहीं छोड़ेंगे उसे। पुष्पा जी क्या बक रहे हैं आप, मतलब क्या बचपना कर रही हैं आप? ऐसा थोड़ी ना होता है, आत्मा वात्मा थोड़ी ना जाएगी। आप छोड़िए, आप ईंट फेंकिए। वही तो मैडम सर, हम बकरे की ऐसे आवाज निकाल के मजाक कर रहे थे, ये सीरियस हो गई, ईंट उठा लिया हमारा सर फोड़ने के लिए, बताइए। अच्छा मजाक कर रहे थे और क्या? अच्छा हमको तो लगा। मैडम सर देखिए कितना उच्च कोटि का अभिनय किया है तुमने, अब बख्शिश तो बनती है। दो दो बख्शिश दो, बख्शिश दो। पुष्पा जी क्या कर रही हैं? रुकिए आप, करिश्मा सिंह की आत्मा आ गई है क्या आपके अंदर? रुकिए बंद करिए ये सब। तोड़ू क्या? और अब जाइए घर। घर इस वक्त? अभी हमारी ड्यूटी कहाँ खत्म हुई है मैडम सर? हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी ड्यूटी खत्म हो गई आज के लिए, आप प्लीज घर जाइए, आपको आराम की बहुत जरूरत है, कल आइएगा इत्मीनान से। ठीक है, जय हिंद मैडम सर। और तुम ये मजाक करना बंद करो वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे। सॉरी मैडम सर, सॉरी।
सबके दिमाग घूमे हुए हैं इस चिंगारी गैंग की वजह से। तुम रिस्क मत लेना बदनाम, जिंदगी में तुमको देख लेना। हाँ बिल्कुल नहीं। खाला चाय। खाला चाय। करिश्मा बेटा, हसीना बहुत बदल गई है। हमने उसे जिंदगी में हर मुसीबत से लड़ते हुए और जीतते हुए देखा है, लेकिन पहली बार हम उसे मुसीबत की वजह से कमजोर होते हुए देख रहे हैं। और सच कहे तो हमसे देखा नहीं जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है हमें। कुछ नहीं होगा खाला, उन्हें मैडम सर पे आने वाली हर विपत्ति को हमसे जूझना होगा, और हमसे जूझना इतना आसान नहीं है तो आप जानती हैं। और हम ये आपसे नहीं, हम खुद से वादा कर रहे हैं कि जब तक हमारी जान में जान है ना, मैडम सर पे कोई आंच नहीं आने देंगे। हम जानते हैं बेटा, तुम जब तक साथ हो ना, हसीना को कुछ भी नहीं हो सकता। बस बेटा ये कोशिश करो कि जल्द से जल्द हसीना को इस मौजूदा दुश्वारियों से निजात मिल जाए बस, और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। ऐसा हो सकता है खाला, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, अगर आप हम पे भरोसा करें और वो करें जो हम आपसे करने को कहें। अरे करिश्मा बेटा, ये भी कोई कहने की बात है, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और हसीना के लिए कुछ भी। और रही बात विश्वास की, तो हम जानते हैं कि तुमसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त हमारी हसीना का और कौन हो सकता है। चलो बताओ हमें, क्या सोचा है तुमने? देखिए, मैडम सर का इस टाइम पे सबसे बड़ा दुश्मन है चिंगारी गैंग। चिंगारी गैंग मुसीबत बन गई है मैडम सर के लिए। अगर ये खत्म हो जाएगा ना, तो सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा। और हम चिंगारी गैंग को खत्म करना चाहते हैं, और उसके लिए आपकी मदद लगेगा हमें। हमारी मदद? हम कैसे मदद कर सकते हैं? आपको एक नाटक करना होगा जिसमें आपको मैडम सर की नजरों में बुरा बनना होगा। और हाँ, और जो आप FIR मैडम सर के पास लेके गई है ना, वो आपको चिंगारी गैंग के पास लेके जाना होगा। क्या बात कर रहे हो करिश्मा बेटा, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? करिश्मा बेटा, ऐसे करना होगा खाला, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ये सब हम चिंगारी गैंग का भरोसा जीतने के लिए कर रहे हैं। देखिए, अगर आप चिंगारी गैंग के पास अपना केस लेकर जाएंगी ना, तो उसके दो फायदे होंगे। एक, आपका लॉकेट ऐसा तुरंत आपके पास आ जाएगा, और दूसरा, चिंगारी गैंग की जो मुखिया है शिवानी ताई, उसका भरोसा हम पे आ जाएगा। एक बार हम उनका भरोसा जीत लेंगे ना, तो वो हमें चिंगारी गैंग में शामिल कर लेगी। और एक बार हम चिंगारी गैंग में शामिल हो गए ना खाला, हम सच बता रहे हैं, उसी के चिंगारी से उसकी पाप की लंका का दहन ना कर दिया ना, तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह नहीं। खाला क्या सोचा आपने? करिश्मा बेटा, हम बस इतना ही सोच रहे हैं कि अगर ये बात हसीना को पता चल गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और वैसे भी इतने मुसीबतों से जूझ रही है बिचारी, अगर हमने भी उसका साथ छोड़ दिया तो एकदम टूट ही जाएगी वो। खाला 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 खाला, घाव को भरने के लिए उसको सिलना पड़ता है, और उसमें थोड़ा दर्द तो होता ही है, पर हम ये सब जो कर रहे हैं, ये मैडम सर के लिए ही तो कर रहे हैं, उनको इस मुसीबत से निकालने के लिए कर रहे हैं। कभी कभी अपनों के भलाई के लिए ना, हमें उनको थोड़ा दर्द देना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप सोच लीजिए, कह कि ये परीक्षा तो आप ही की है, और आपको भी इस पीड़ा का सामना तो करना होगा। आप आराम से सोच लीजिए, फिर हम आपसे मिलने आते हैं। हाँ हाँ, चाय पी लीजिएगा। खाला खाला, सच बताइए, आपने थाने में FIR सिर्फ हमारी मदद करने के लिए लिखवाई थी, राइट? देखिए प्लीज, झूठ मत कहिएगा, क्योंकि सच जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको एक नाटक करना होगा जिसमें आपको मैडम सर की नजरों में बुरा बनना होगा। जिस सच पर पहले से ही सवाल या निशान लगा हो, उसके कुछ भी होने से क्या फर्क पड़ता है बेटा? तुम्हें तो तुम्हारी खाला पर ही यकीन नहीं है, तो कुछ भी कहने सुनने के लिए बचता ही नहीं है ना बेटा। खाला, लेकिन आप बस, अब और कुछ भी नहीं, जा सकती हो तुम। हाँ करिश्मा बेटा, हम तैयार हैं, तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, बस खत्म कर दो इस चिंगारी गैंग को।
और निकालो हमारी हसीना को इस अजाब से। बोलो क्या करना है हमें? हमारा लॉकेट जो वो कंबख्त चोर छीनकर भाग गए। वो लॉकेट हमें हमारी बहन ने दिया था, हसीना की अम्मी ने, हमारी सालगिरह पर। बस उस लॉकेट में हमारी बहुत गहरी यादें बावस्ता है। दरअसल बात यह है कि मैडम सर को इनकी बातों पे विश्वास नहीं है। मैडम सर को लगता है कि ये उनकी मदद करने के लिए झूठी कहानियां बना रही है। जब मैडम सर इनकी बातों पे विश्वास नहीं कर पा रही तो इनका लॉकेट इनको वापस लाकर कैसे देंगे? और इनको इस बात का डर है कि कहीं देर ना हो जाए, उस चक्कर में लॉकेट इनके हाथ में कभी ना आ पाए। देखिए हमें तो बस हमारा लॉकेट चाहिए, जरिया कोई भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। करिश्मा ने कहा कि आप हमारी मदद कर सकती है इसलिए हम यहाँ आए। देखिए अगर आपको हम पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप साफ साफ बता दीजिए हमें, हम खुद निकलेंगे ढूंढने उन कमबख्तों को और उनको ढूंढ के ऐसा फोड़ेंगे, ऐसा फोड़ेंगे ना। जज्बात वाली बाई की खाला होकर ये तेवर? वैसे तो हम खाला करिश्मा की भी है। भोकल भोकल सेम सेम। ठीक है बताइए कहाँ पर हुआ आपके साथ ये सब? उन लुटेरों ने आपकी चेन और आपका लॉकेट कहाँ पर छीना था? और शंकर चौक है ना, बस थोड़ा उससे थोड़ा आगे। बिन्नी। हाँ जी जी। उस इलाके में जाकर अपने सभी मुखबिरों को हड़का दे, खबर फैला दे कि जिसने भी ये हरकत की है, जिसने भी इनका लॉकेट छीना है, वो यहाँ पर आके ईमानदारी से उसे जमा करवा दे। नहीं तो अगर हमने अपने तरीके से उन्हें सबक सिखाया ना तो उसके दाह संस्कार के बाद उसकी अस्थियों की राख से तो इनका लॉकेट मिल ही जाएगा। आप पहली बार रंगरेज गली आई है, बहुत सुना होगा आपने इस गली के बारे में। आइए हम आपको असली रंगरेज गली दिखाते हैं। आइए। चिंगारी संगठन की औरतों के हाथ में शस्त्र देखकर लोगों को लगता है कि हम औरतों को हिंसक बना रहे हैं, जबकि हम तो औरतों की आने वाली पीढ़ी को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं उन्हें शिक्षा का शस्त्र देकर। ये बच्चियां आने वाले कल का भविष्य है, जब ये शिक्षित होगी तो पूरा देश शिक्षित होगा, पूरा देश शिक्षित होगा तो औरतों का अपने आप सम्मान होने लगेगा, वो सक्षम होगी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए, तो फिर इस देश को किसी चिंगारी गैंग की क्या जरूरत पड़ेगी। आइए सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, ये उन पढ़े लिखे जानवर उसे खुद को बचाने के लिए जिनको शिक्षा का अमृत भी इंसान नहीं बना पाता, जिनके लिए एक अकेली औरत सिर्फ एक मौका होती है और कुछ नहीं। आपने ये जो गली देखी अभी वो सायरा ताई की ही मिल्कियत है, सायरा ताई यहाँ की मालकिन है, यहाँ से जो भी पैसा मिलता है वो चिंगारी गैंग के औरतों के जरूरत के काम आता है, चिंगारी संगठन के खर्चे भी यही उठाती है। इन शॉर्ट चिंगारी गैंग के अन्नदाता यही है सायरा ताई। आइए वो हमारा लॉकेट। माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए। बिन्ने। आजी जी। ये दोनों इस शहर में मुझे दोबारा नहीं दिखने चाहिए। इन दोनों की इतनी हड्डियां तोड़ना कि इन्हें पूरी जिंदगी लग जाए इन्हें जोड़ने में। नहीं नहीं माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं ये आपका लॉकेट लीजिए। चलो उठो ले जाए ना, ये लीजिए आपकी अमानत। शुक्रिया करिश्मा सिंह।
तूने साबित कर ही दिखाया कि तू चिंगारी संगठन के प्रति कितनी ईमानदार और समर्पित है। तू इस परीक्षा में पास हो गई। अब से तू चिंगारी संगठन का हिस्सा है और पुलिस में रहकर हमारे लिए काम करेगी। वेलकम टू द चिंगारी गैंग फैमिली करिश्मा सिंह। गजब, योग्य और आताई, वर्दी और मरून एक साथ। पहले जिस वर्दी का आना रंगेज कली में वर्जित था, अब उसके साथ बैठ के हमें पकौड़े खाने पड़ेंगे। ये शिवानी ने ठीक नहीं किया बिन्नी। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसे एक बार हमसे तो मशवरा करना चाहिए था। कहाँ गई थी आप? बाहर कहाँ गई थी आप? किससे मिलने गई थी आप? बताइए। क्या? क्या कहा? अच्छा, अब अचानक से आपको ऊंचा सुनाई देने लगा। दगा? हाँ, हो गया था जवानी में हमारे साथ दगा। होता है, क्या करे। लेकिन क्यों अचानक पूछ रही हो? लगता है हमारी कानों पर असर हो गया है, कुछ सुनाई नहीं दे रहे। हकीम के पास जाके आते हैं। सुनाई नहीं देता, दिखाई तो देता है ना। क्या करते हम? तुम्हें तो अपनी खाला पर यकीन नहीं था। हमारी कहानी झूठी लग रही थी, हमारी केस भी फर्जी लग रही थी, और हमें तो तुम्हारी अम्मी ने दिया हुआ लॉकेट हमें किसी भी हालत में वापस चाहिए था। बस तो कहीं पे तो जाके सिर मारना पड़ता ना। तो गए हम चिंगारी गैंग के पास और हमें हमारा लॉकेट वापस भी मिल गया। तो इसमें इतना गुस्सा होने की, मुंह फुलाने की, चिल्लम चिल्ली करने की क्या जरूरत है? आपको अंदाजा भी है कि आप ये क्या करके आई हैं? आपने उस औरत के सामने हमारा सर झुका दिया है जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, और फिर भी हमारी इज्जत करती है क्योंकि हम अपनी वर्दी की इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारे लिए अपनी वर्दी के आगे और अपने फर्ज के आगे और कुछ नहीं। जब दुनिया को पता चलेगा कि हसीना मलिक अपनी ही खाला का केस सॉल्व नहीं कर पाई और इंसाफ पाने के लिए उन्हें चिंगारी गैंग के पास जाना पड़ा, शिवानी के पास जाना पड़ा, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी और हमारी इस वर्दी की और हमारे इस फर्ज की? आपने ये सोच भी, आप ऐसा कैसे कर सकती हमारे साथ खाला? हाँ, क्योंकि बुरे हैं हम, और अगर हम इतने ही बुरे हैं तो क्यों रह रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस घर में? हाँ, चले ही जाते हैं ना ये घर छोड़ के। अरे, ये हमने कब कहा? अब ये क्या कह रही है? आप कौन सी बात को अब क्या करिए? खाला छोड़िए वो सब। खाला हटो यहाँ से, हमें जाने दो। खाला आप, हम भी नहीं मनाएंगे। हेलो खालू। हाँ, हम बोल रहे हैं। अब वो खाला अभी अभी यहाँ से निकली हैं, अब गुस्से में गई हैं यहाँ से। अब आप तो जानते ही हैं वो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाती हैं, तो अब क्या करें? वो थोड़ा एक दो दिनों में शांत हो जाएगी तो हम आते हैं उन्हें मनाने, और तब तक ज़रा आप भी प्लीज़ बच कर रहिए, कहीं वो आप पर ना फट पड़े। हाँ हाँ, रखते हैं, आदाब। मैडम सर, जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद मैडम। सर, हम ये क्या सुन रहे हैं? आपकी खाला कंप्लेंट लेकर चिंगारी गैंग के पास चली गई, और उन लोगों ने चोरों को पकड़ भी लिया, उनका चेन वापस भी मिल गया, और आपकी खाला घर छोड़कर चली भी गई। इसी को तो बुरा वक्त कहते हैं ना पुष्पा जी, जब भी आता है हर जगह हर दिशा से आता है, अपने पराये हो जाते हैं और सब कुछ बना बनाया बिगड़ने लगता है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, वक्त ही है, गुजर जाएगा। हमने इतनी सारी मुश्किलें एक साथ मिलकर हल की हैं, ये भी कर लेंगे।
तजुर्बा कहता है हमारा कि झूठ की फर्जी रोशनी भले ही थोड़ी देर के लिए सब कुछ चकाचौंध कर देती है, लेकिन अंधेरा नहीं मिटा सकती। अंधेरा मिटाने के लिए सूरज ही चाहिए, और वो सूरज आएगा, जरूर आएगा। एक दिन आएगा जब सबको चिंगारी गैंग की फर्जी रोशनी और कानून के सच्चे इंसाफ की रोशनी के बीच का फर्क समझ में आ जाएगा। दिक्कत तो यही है ना मैडम सर, कि सबका आंखें जो है ना वो चौंधिया गया है उस एक पल के उजाले के आगे। सच का सूरज जो है वो 5 रुपए का मोमबत्ती लगने लगा है लोगों को, इसलिए तो सब उनके चौखट के आगे जाके दंडवत दे रहे हैं, चिंगारी गैंग के चौखट के आगे। कोई हमारे यहाँ आना ही नहीं चाहता है, सब वहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि सबको वो एक पल का उजाला चाहिए, 5 रुपए वाला मोमबत्ती नहीं। पुष्पा जी कमाल है, आप इतनी पढ़ी लिखी समझदार होने के बावजूद इस तरह की बच्चों वाली बातें कैसे कर सकती हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई बकरे की अम्मा आएगी अपने बेटे को खाने के का प्रतिशोध लेने, ऐसा नहीं होता है। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है पुष्पा जी, आप प्लीज ये बंद कीजिए, बाहर आइए, कोई आत्मा नहीं है, बाहर आइए। नहीं मैडम सर, आत्मा होती है क्योंकि अभी हमने बकरे की आत्मा की आवाज सुनी। नो मां, नो, दिस इज नॉट बकरी वॉइस, दिस इज माय फोन वॉइस। ये मेरा रिंगटोन है माँ, रिंगटोन है, इकबाल ने मुझे भेजा है, सेंड है? सबको सेंड करा, सबको भेज रहा है, मतलब आप कहीं भी जाओ सारे शहर में आपको यही आवाज सुनाई देगी। करिश्मा मैडम भी बहुत अच्छे से आवाज निकालती है, निकाली ना आवाज। पुष्पा जी, पुष्पा जी बस कीजिए, क्या कर रही हैं आप, ये छोड़िए उसे। बस रे, मैडम सर, इस इकबाल को मूसली में डालकर नहीं कुटाना हमने, तो हमारा नाम भी पुष्पा नहीं। करिश्मा सिंह आप आइए, आपसे कुछ बात करनी है हमें। आप हमारे घर आई थी खाला से मिलने? जी गए थे हम, वो वहां से गुजर रहे थे हम, तो हमको लगा कि मिल लेते हैं, कहे कुछ गलत कर दिया क्या, हमने नहीं जाना चाहिए था हमको। नहीं नहीं ऐसा नहीं, बस खैर खबर ही लेनी थी या और भी कोई बात थी? जी जी मैडम सर, बस इतना सा ही बात था, और क्या बात होगा, बस ऐसी खाला है, अम्मा जैसा मानते हैं हम उनको, तो चाय पिला दिया उनको, बस ऐसी थोड़ा बहुत बातचीत किया और आ गए बस। मतलब आपको नहीं पता कि खाला कहाँ है? खाला कहाँ है? घर पर ही होंगी ना खाला? तो घर पे नहीं है, हमसे झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई है। क्या बात कर रही हैं, आपसे झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई, कहाँ गई? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपकी इतनी अच्छी बनती है खाला से, तो आपको तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। हमें कैसे पता होगा मैडम सर, हम तो बस उस वक्त मिले थे, उसके बाद हमारा कोई उनसे कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ कोई, मतलब हमें नहीं पता कि कहाँ है वो। अच्छा जी, उठाइए। क्या हुआ? वो ये हो गया हमको, ये खुजली, वो खुजली, हाँ एलर्जी, हाँ एलर्जी हो गया है खुजली से हमको, पीठ पर हो रही है खुजली, हाथ फ्री है, फोन उठाइए। ऐसे ही मतलब बाद में जी। खाला कैसी हैं आप, ठीक है ना? हाँ हाँ हम तो ठीक है करिश्मा बेटा, लेकिन एक बात बताओ। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है रखते हैं, हम रखते हैं। गीजर कहाँ से लेके आई हो तुम, एक नंबर का घटिया है बनावटी, कब से पानी गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पानी के गर्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे कहाँ से लाई? मंजूर बाजार से लाती तो 101 कंपनी के गीजर मिलते, और वो भी वाजिब दामों में। और करिश्मा बेटा ये खूंटी कहाँ है? नहाने जा रहे थे तो कपड़े तो साथ में लेके जाएंगे ना, लेकिन कपड़े टांगेंगे कहाँ पे, हमें तो खूंटी दिखाई नहीं दी। और एक बात कहनी पड़ेगी करिश्मा बेटा, तुम्हारा बाथरूम है बड़ा अच्छा, और एक है हमारी हसीना बिटिया के घर का बाथरूम, ओहो जहन्नुम, साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है, नहाना तो दूर की बात लेकिन अंदर जाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन बेटा ये तो बताओ कि खूंटी है कहाँ? वो खूंटी वो बाथरूम के पीछे जो दरवाजा है, वो दरवाजे के पीछे जो है वो वहाँ खूंटी लगा हुआ है बाथरूम के पीछे के दरवाजे। शुक्रिया।
सॉरी मैडम सर, हमको लगा कि आपको बुरा लगेगा इसलिए हमने आपको नहीं बताया। वो झगड़ा करके खाला कल हमारे घर पे आई थी। नहीं नहीं, हमें क्यों बुरा लगेगा, उन्हें आप ही की जैसी बेटी चाहिए थी तो मिल गई। आपको भी उनके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, तो एक काम करिए, अब आप लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ वक्त बिताइए। इनफैक्ट आप उन्हें अपने घर ही रखिए कुछ दिन, ठीक है? पुष्पा जी, पुष्पा जी यहाँ आइए, अंदर आइए। जी मैडम सर। क्या लगता है आपको पुष्पा जी, खाला घर से निकलकर कहाँ गई होंगी? बताइए। यही तो सोच सोच कर ना हम परेशान हो गए कि इस उम्र में खाला कहाँ चली गई होगी। पता नहीं खाना भी खाया होगा कि नहीं, कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी, किस हालत में होगी, नहाई धोई भी होगी कि नहीं। वही कर रही हैं। दर दर की ठोकरें खा रही हैं? नहा रही हैं आपके घर के बाथरूम में, और अभी अभी करिश्मा सिंह को फोन करके पूछा है कि खूटी कहाँ है। वैसे मानना पड़ेगा पुष्पा जी, आपकी एक्टिंग जो है काफी इंप्रूव हो गई है, बहुत सटल एक्टिंग करने लगी हैं आप आजकल, आप दोनों इनफैक्ट। नहीं सच में, अभी थोड़ी देर पहले कितने कन्विंसिंगली आप हमसे पूछ रही थी कि खाला कहाँ है, कहीं गुस्से में वापस सहारनपुर तो नहीं चली गई वगैरह वगैरह। गुड, इम्प्रेसिव। शुक्रिया मैडम सर, सीख रहे हैं अभी। देखा, हमने कहा था ना कि मैडम सर है वो, यूं पकड़ लेगी हमारा झूठ। पकड़ लिया, यूं पकड़ लिया। हम सही निकले, हम सही थे ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है पुष्पा जी। इनफैक्ट अब आप बहुत अच्छी कलीग भी साबित होकर बताइए। क्या है, जब तक खाला आपके घर पे रह रही हैं, आप हमारे घर रहेंगे। क्या है ना, हमें रात को अकेले नींद नहीं आती, थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए आप अपने घर से कपड़े वगैरह मंगवा लीजिए और ड्यूटी के बाद डायरेक्टली आप हमारे साथ हमारे घर चलेंगे। प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम तो कहते हैं बहुत मजा आएगा हमें, इसी बहाने थोड़ा और समय बिताने के लिए मिलेगा साथ में। और इतना ब्रेक तो बनता ही है ना, इसी बहाने थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी चुड़ैल घर के कामकाज से। पुष्पा जी, आपको नॉनवेज बनाना आता है ना? हमारा महाराज जरा छुट्टी पर गया इसलिए पूछ रहे थे। डिसमिस। जाइए। आपको यह हेयर स्टाइल बहुत सूट करता है। लिखो। ये बात है, बड़ी रंगीन हो रही है तू। क्या हो रहा है ये? डेटिंग ऐप? जिजी तू खड़ी क्यों है? तू बैठ ना, के लेगी तू चाय पानी कुछ भी? लड़का किसके लिए ढूंढा जा रहा है? ताई के लिए। का है? तुझे सटी? हाँ तो बुराई के इसमें, घर बसाने की कौन सी उम्र होती है, पहाड़ जैसी जिंदगी कब तक ढोती फिरेगी वो बेचारी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और क्या ही मतलब होता है विमेन एम्पावरमेंट का, मन की आजादी और क्या। और वैसे भी शादी और प्यार की कोई उम्र थोड़ी होती है, जब भी आए दिल से आए। चलो मुझे भी दिखाओ लड़का कौन है, मैं भी तो देखूं कि कौन बनने वाला है ताई का जीवन साथी। दिखाना ताई। अरे दिखाना, ये ले। ये? हाँ चीची, यो ही है। ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया ताई के लिए? तो क्या हो गया, जब 60 साल के झोलू जवान जवान लड़कियों के साथ शादी कर सकते हैं
तो ये हमारी अनुभवी लड़की अपने से कम उम्र के लड़के के साथ शादी ना कर सकती जिंजी, है कि नहीं ताई? हाँ हाँ कर सकती है, क्यों नहीं, लेकिन शिवानी हम कह रहे थे कि वो ताई ये कमला पीड़ित है, फरियाद लेके आई है। क्या हुआ? ताई ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं, सारी कमाई शराब में उड़ा देते हैं, बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, या तो इनके शराब छुड़वा दीजिए नहीं तो मैं अपने बच्चों के साथ अपनी जान दे दूंगी। ताई अकाउंटेंट हूँ, दिन भर हिसाब किताब में खपा रहता हूँ, गधों की तरह काम करना पड़ता है, शरीर और दिमाग एकदम फोड़े की तरह दुखने लगता है, इसलिए अपनी कमाई की थोड़ी सी पी लेता हूँ ताकि चैन से सो सकूं और दूसरे दिन काम पर जाने लायक हो सकूं। अब इसमें तो कुछ गैर कानूनी नहीं है ना? जिज्जी वैसे वो कुछ गलत भी तो ना कह रहा है, ठीक तो कह रहा है, कितना प्रेशर हो गया है एक घर चलाने वाले में जिम्मेदारियों का, शराब नहीं पिएगा तो कैसे जिएगा बेचारा। इतनी प्रॉब्लम शौक में नहीं है, लेकिन वही शौक जब परिवार के खुशियों का शोक बन जाए उसमें शौक कब लत बन जाती है और लत कब तबाही, ये पीने वाले को पता नहीं चलता। अगर पता चलता है तो उसके परिवार वालों को, जो पूरी तरीके से उन पर निर्भर होते हैं। जिज्जी छोटा मुंह बड़ी बात, पर इसमें शराब की क्या गलती? गलती तो पीने वाले की है ना, इनके सर पे कोई कट्टा रख के तो बोल नहीं रहा है कि तुम शराब पियो, तो शराब का क्या फॉल्ट? शराब किसी एक इंसान को बर्बाद नहीं करती बिन्नी, वो उस हर इंसान की खुशियां, मान सम्मान और इज्जत को निगल जाती है जो शराब पीने वाले से जुड़ा होता है। शराबी हर चीज की जड़ है और ये गलत है, इसे बंद होना चाहिए। आपने सही कहा ताई, अगर शराब बिकनी बंद हो गई तो मेरे पति जैसे लोग पिएंगे कहाँ से, और पिएंगे नहीं तो शराब पीने की लत भी छूट जाएगी। अगर शराब बिकनी बंद हो गई तो सिर्फ मुझ पर ही नहीं, मुझ जैसी कई सारी औरतों पर बहुत बड़ा उपकार होगा ताई। ताई हम सबको बचा लो इस नरक से। ठीक है तू जा, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा हुआ तो ताई इस चौखट की परंपरा का अपमान नहीं होगा? यहाँ जो भी इंसाफ मांगने आया है उसे हाथ के हाथ इंसाफ मिला है, यही तो चिंगारी संगठन की रीत है ना, और यही परंपरा है, तो आप मुझे खाली हाथ क्यों भेज रही हैं ताई? ताई ऐलान करवा दो, आज से शहर के किसी भी दुकान में शराब नहीं बिकेगी, और जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा वो चिंगारी गैंग का अपराधी होगा, और चिंगारी गैंग के अपराधियों के साथ क्या सुलूक होता है वो तो पूरी दुनिया जानती है। कपड़ा वो मैसेज में कह रही है तुम्हारा हेयर स्टाइल उसको पसंद आया है, रिप्लाई करो। चुप कर रे जहरीले जंतु जहरीले जानवर, मानता नहीं है ना तुम? यार हम इमोशनल होकर तुमको थोड़ा सा उंगली क्या पकड़ दिए, तुम तो हमारा किडनी और गुर्दा निकालने के चक्कर में लग गया यार। बिल्ले का चल रहा है, दिल निकाल कर कर का चल रहा है, बताओ हमको भी दिखाओ, ऐसा क्या चीज है जो दोनों देख के इंसान से ऑक्टोपस हो रहे हैं? मैडम शादी करना है। किसको? इसको शादी करना है। दिखाओ भैया कौन है लड़की जिसकी जिंदगी में अंधकार आने वाला है और इतना बड़ा कुर्बानी दे रही है, दिखा। बहुत बढ़िया, क्या हुआ इसको ये पसंद है? हाँ मैडम हाँ। इसने ओके किया इसके लिए? ओके हाँ, तो ओके मेरा ओके उसका ओके, अभी इसको मैं पसंद आ गया तो मैं क्या करूँ? हाँ ठीक, देख कर नहीं चल सकते?
एक्सीडेंट हो गया। अरे भैया इधर आओ, कहाँ छुपा रहे हो, हमको भी दिखा। इधर आओ, इधर ला। ओए ओए इधर आ। चीता का है, पकड़ के लाए। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं जाओगे? मैं पुलिस में नहीं हूँ ना। मत जाओ। और ये क्या है, क्या छुपा रहा था? कुछ नहीं सर, उसमें ये देखो, खाकी से खाकी बैग में क्या छुपा के लेके जा रहे हो? हे बाप रे, देखिए यही 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 लेके जा, यही लेके जा रहा था। गलत थोड़ी किया क्या मैडम, ड्रिंक लेना भी लीगल हो गया क्या? अगर लीगल तरीका से दारू ली तो डर के भागे का है? ड्रिंक लेना इलीगल नहीं है, लेकिन अकेले ड्रिंक लेना इलीगल है। कहाँ से रे? अब वो अपना डायलॉग बोली ना, अपना डायलॉग, बहुत दिनों से वो सुना नहीं बेटा। बक दो वरना वो हाल करेंगे कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसा ना देखा। मैडम डायलॉग तो बढ़िया है आपका, लेकिन एक बात बताएं आपको, आप किस डायलॉग से डरता नहीं कोई? आपका डायलॉग ऐसे ही हो गया है लोरी जैसे। सबको पता है आपका सारा भौकाल धरा रह गया वहाँ पेटीम बंद थाने में, और उस पर लग गई दीमक। बिना दांत के खोखले डायलॉग का क्या फायदा आपके भौकाल का? मैम करिश्मा मैम। हाँ मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। इसका क्या करना है, पूछताछ करो। मुंह का ताक रहे हो या वो कहा है ना, चिंगारी गैंग ने सारी दारू की दुकानें बंद करवा दी हैं, इसीलिए हमने ब्लैक में दारू खरीदी। आगे बाई गली में जाके दाहिनी तीसरी दुकान है, वहीं ब्लैक में बेचने चौगुने दाम में। अच्छा मैडम, मैडम इधर तो इतना सारा दुकान है, कैसे पता चलेगा नकली शराब कहाँ मिल रहा है? बिल्लू है ना? या की करे? ये बिल्ली, ये शाबाश यार, तुम तो स्निफर को फेल कर दिया। थैंक यू ये स्निफर क्या है? सूंघने वाला कुत्ता। कुत्ता? जाओ जाओ भी काम करो जिसके लिए आए हो, जाओ। ना ना नाटक मत करो। हाँ खंबा कौन सा? सतरंगी 4000। एक ही चाहिए, कैरेट नहीं चाहिए? अभी एक ही का रेट बताएं, जल्दी करो। बाप रे 4000, ये तो डाका है। ये मिल रहा है वही बहुत है, जल्दी करो। 4000 हाँ, किडनी गिरवी रखवा लो। अबे चल फुट यहाँ से। चिंगारी गैंग को पता चल गया ना तो बोटी बोटी कर डालेंगे आके, जान हथेली पर रख के बेच रहे हैं। अब इतना कमाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? शाबाश शाबाश बेटा, जान हथेली पर रख के बेच रहे हो, थोड़ा बहुत तो फायदा होना ही चाहिए। पुलिस पुलिस भागो 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 कहाँ से भागो? दारू पियोगे तुम? चल चलो बेटा, वो नारंगी मौसमी अतरंगी इंद्रधनुष का दर्शन करवाते अपने थाना में, चलो 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 चलो। सबूत के तौर पर माल जब्त किया है। डालो इसको अंदर, इसका दिमाग लगाते हैं हम ठिकाने पे। एक मिनट एक मिनट चीते, एक मिनट एक मिनट, हट जा बिल्ली, हट जा हट जा। क्या ये? एक मिनट पुष्पा जी, ये कौन तो ट्रम कर रही हैं? डिस्टर्ब मत करो माँ को। बस ऐसे ही हमारे थाने में आते रहना अपराधियों, क्या है ना बहुत सख्त जरूरत है हमारे थाने को आप जैसे अपराधियों की। ये मुंह मीठा करो। जी अभी जाओ जाओ अंदर जाओ। आशीर्वाद। हाँ माँ, आज वाकई खुशी का मौका है, इतने सालों के बाद हमारे जोन का कैदी आया है। कौन है ये, किस जुर्म में अंदर किया इसे? जय हिंद मैडम। जय हिंद जय हिंद, बताइए मैडम सर। जब से शिवानी ने शराबबंदी का ऐलान किया है, नकली कच्ची शराब बनाने वाले ये मौसमी मेंढक पैदा हो गए हैं,
और इनकी नस्ल इतनी ढीठ है कि एक कॉकरोच को मारो तो हजार पैदा हो जाते हैं। अब पता नहीं इतना जहरीला पदार्थ मिलाते हैं अपनी शराब में जिसको पी के हट्टा कट्टा इंसान भी या तो अस्पताल पहुंचता है या सीधा शमशान। इन लोगों की वजह से पता ना कितना ज्यादा परिवार वाला लोग एकदम सड़क पर आ गया है। शराबी बेचारा करे भी क्या, जब शराब बंद हो जाता है तो ब्लैक मार्केटिंग में चौगुना दाम पर खरीदता है सब वो सब। तुम सही कह रहे हो, ये सब खत्म होना चाहिए। मैं खत्म करूंगा, एक महीना लगेगा, स्टॉक बहुत है इसके पास। ला पिले इसको बेटा रखी है यहाँ, ये नरकंकाल को। अब सबका हो गया हो तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह जहरीले नशे का कारोबार बंद होना चाहिए। नशे में वो शिवानी है मैडम सर, जो अपनी ताकत के नशे में इतना चूर हो गई है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा ऐलान कर दिया है। हाँ, शराब का नशा बेकार है, नासूर है, एक सभ्य समाज का सबसे बड़ा शत्रु है इसका आदत। लेकिन कुछ भी चीज अगर बंद करनी है तो एक तरीका होता है, एक सलीका होता है मैडम सर। एक राज्य सरकार भी अगर कुछ ऐलान करता है या कुछ बंद करता है तो उनके पीछे उनका पूरा सिस्टम होता है, एक योजना होती है, एक तंत्र होता है। शिवानी ने तो बस ऐलान कर दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि उस ऐलान के चक्कर में कितने लोगों के घर में आर्थिक स्थिति आ गया है। और अफसरवादियों को तो मौका मिल गया अपना काला धंधा चलाने के लिए, लोगों की जान से खेलने के लिए। ये सब बंद होना चाहिए मैडम सर। आप एक काम कीजिए, आप शिवानी को कॉल कीजिए, उसको समझाइए कि वो जो ये सब कर रही है ये गलत है, बहुत गलत है। देखिए कितना भी दुश्मनी हो लेकिन हम सब जानते हैं यहाँ पे कि वो आपको बहुत मानती है। अगर आप उन्हें फोन करेंगी, उनको समझाएंगी ना तो वो समझ जाएंगी मैडम सर। लीजिए आप उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए। बोल बातों वाली भाई, कैसे याद किया? बातों वाली भाई, हमने सही सुना? बिल्कुल सही सुना तुमने, क्योंकि मुझे औरों की तरह लगा था कि तेरे उसूलों की बुनियाद जज्बात है। मुझे लगा था कि तू जुर्म को अपने जज्बात की क्रांति से बदलाव लाएगी, और इसीलिए तो मैं तुझे जज्बात वाली भाई बुलाती थी। आ गई तेरी इस मार्केटिंग में, लेकिन जिस तरीके से तूने मेरा केस संभाला, वैसे तो तूने कुछ किया ही नहीं, इसीलिए तू मेरे लिए जज्बात वाली बाई से बातों वाली बाई बन गई, जो सिर्फ और सिर्फ भारी भारी डायलॉग मारती है और पब्लिक की तालियां बटोरती है, और कुछ नहीं। शिवानी, बात यहाँ पर तुम्हारी या हमारी नहीं है, बात है उन हजारों बेगुनाह लोगों की जो तुम्हारे इस ऐलान के चक्कर में जिनकी जिंदगी खतरे में आ गई है। तुमने तो बड़ी आसानी से ऐलान कर दिया शराबबंदी का, लेकिन इसके चक्कर में न जाने कितने लोगों ने नकली जहरीली शराब बनाना शुरू कर दिया, और वो जहरीली शराब पीकर न जाने कितने लोग जो है या तो अस्पताल जा रहे हैं या दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हें एहसास है इस बात का? वो तो वैसे भी मरे गई ना बातों वाली भाई, शराब ने किस पर रहम किया है? और वैसे भी मौत तो शराब के साथ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट ही है, इस गिफ्ट को तो लेना ही पड़ेगा। अब क्या हर काम चिंगारी गैंग ही करेगी क्या? अगर तेरे को मालूम है कि मार्केट में नकली शराब मिल रही है जिससे बहुत लोगों की जाने जा रही है, तो तू रोक ना उसको। पुलिस हो ना तो अपना काम करो। अरे तेरे को तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, तेरे पूरे थाने को बेरोजगार होने से बचा लिया मैंने। चिंगारी गैंग ने तुम सबको फिर से काम पर लगा दिया। करिश्मा सिंह, बात यहाँ सिर्फ शराब बंदी की नहीं है, बात है कि ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास ये साबित करने का कि शिवानी की आइडियोलॉजी कितनी गलत है। आज तक उसने लोगों का भरोसा जीता है सिर्फ और सिर्फ उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर, और अब ये सच्चाई, शिवानी का ये ढोंग पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। और ये दुनिया के सामने आने का एक तरीका है, हमें एक कंप्लेन चाहिए किसी एक औरत से जो इस शराबबंदी के ऐलान से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई हो, जो सबसे ज्यादा परेशान हुई हो, जिसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और जिसमें हिम्मत हो पूरी दुनिया के सामने आकर ये कहने का कि शिवानी का ये शराबबंदी का डिसीजन गलत था। बस ये औरत अगर हमें मिल जाए तो हम शिवानी के इस चिंगारी गैंग की नींव पर वार कर सकते हैं, बहुत गहरा वार। बस एक कंप्लेन, बस एक औरत। अरे मैडम, सब लोग कहते हैं कि मेरी टाइमिंग गलत है, लेकिन माँ कसम आज मैं सही टाइम पर आया हूँ। मैडम, एक औरत बहुत परेशान है शराब के चक्कर में, बहुत परेशान है, क्योंकि जब से शराब बंदी होगी ना मैडम, वो ब्लैक में शराब इतनी महंगी हो रही है, अफोर्ड नहीं कर पा रही है। अरे बाप रे, महिला भी इस क्षेत्र में आगे निकल चुकी है। कौन कौन है वो? अरे मैडम, उसका नाम है आशा, मेरी छोटी बहन। तुम्हारी बहन भी है? तुम्हारी छोटी बहन को शराब की लत लग गई और तुमने लगने दी? अरे पुष्पा जी, नहीं,
बहन शराब नहीं पीती, उसका पति शराब पीता है और बहुत ज्यादा शराब पीता है मैडम। पहले तो ठीक था कि शराब पर कुछ खर्चा होने के बाद भी घर चलता था, एडजस्टमेंट होता था, लेकिन जब से शराब बंदी हुई ना मैडम, तब से शराब के रेट बढ़ गए हैं और जितनी भी कमाई है ना वो सब शराब में डाल देता है। घर के खर्चे, बच्चों की जरूरतें कुछ पूरी नहीं हो रही मैडम। यही है इस बाजी का सबसे इम्पोर्टेंट किरदार। यही औरत है जो शिवानी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाएगी और अब शिवानी की इस जंग को इसी के मैदान में लड़ा जाएगा। बिल्कुल मैडम सर। हाँ तो क्या नाम बताया अपनी बहन का? आशा। और अच्छा। तुम निराशा। बहन कैसी, मतलब तुम्हारी अपनी सगी बहन ही कंफर्म? राखी बनवाओगे? हो गया। ओके, तो आशा से कहो कि हमसे आकर मिले, हम उससे बात करेंगे और हम उसे ले जाएंगे चिंगारी गैंग के पास, ताकि वो उनके सामने जाकर बता सके कि चिंगारी गैंग कितना गलत और नाजायज काम कर रहे हैं। नहीं मैडम, आशा जो है कभी भी चिंगारी गैंग के पास नहीं जा सकती मैडम, कभी नहीं। कहे कि जो शिवानी गैंग को पता चल गया तो ये जीजा जो शराबी उसको बहुत मारेंगे, बहुत कूटेंगे। और आशा अपने पति से बहुत प्यार करती है और आशा अपने पति को अपने आंखों के सामने पीट तो नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। ये है चिंगारी गैंग की सच्चाई, ये है उनका अंधा गुरूर। पता चलना चाहिए शिवानी को कि लोगों की मदद करने के नाम पर वो ये कर रहे हैं। बहरहाल तुम अपनी बहन से कहो कि उसे फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम गारंटी लेते हैं कि उसके पति को कुछ नहीं होगा। वो हमारे साथ चले चिंगारी गैंग से बात करने, उसका पति बिल्कुल महफूज है, इस बात की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ठीक है पुष्पा जी, करिश्मा सिंह आप जाइए आशा के पास और उसे यकीन दिलाइए कि हम उसके साथ हैं। जी मैडम सर। अब ठीक है। अब इनके लल्ला हमारे पतिदेव का फोन है, उठाएं स्पीकर पे डालें। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप कीजिए बात। हाँ जी कैसे हैं? जी जी क्या बोल रहे हैं? अगर होती तो खाला पुष्पा जी से अच्छी माँ होती, इतना ख्याल रख रही हैं आपका। अरे वाह बहुत बढ़िया बात है, वैसे सही बात है, क्या हमें भी अगर अगले जन्म में सासू माँ चाहिए तो वो खाला जैसी चाहिए। हमारी बात कराइए। अरे एक मिनट सुनिए। रे दिद्दे के फाड़ रहा है, खुद लगाएगा या लगाऊं तुझे? माफ कर दो मैडम जी, माफ की तौबा, माफ कर दूं। आज के बाद से ब्लैक में तो क्या किसी भी कलर की शराब ना खरीदूंगा ना पीऊंगा मैडम जी, बस एक बार माफ कर दो। माफ कर दूं तो नहीं, माफ कर दूं, माफ कर दूं, माफ कर दूं। चलो उठा के बैठे कर, चल। शिवानी ये क्या हो रहा है? चिंगारी संगठन के शराबबंदी ऐलान के बाद इन शराबियों के जीवन में सूखा पड़ गया है। हाँ लेकिन शराब का व्यापार करने वालों के धंधे की कमर तो जरूर टूटी है, लेकिन क्या करें, हर क्रांति कुर्बानी तो मांगती ही है ना। हर क्रांति का फायदा उठाने वाले निकल ही आते हैं, जैसे वो बेगैरत लोग जो ना सिर्फ कच्ची शराब ब्लैक में बेच रहे हैं बल्कि धड़ल्ले से वो शराबबंदी का फायदा उठा के अपना काला धंधा चला रहे हैं। शराबी अपने परिवार की खुशियां बेचकर चौगुने दामों में उनसे ब्लैक में शराब खरीद रहे हैं और शराब की इस लानत से परेशान औरतें हमारी वो शराबबंदी के ऐलान के बाद और भी दिक्कत में आ गई है शिवानी। बहुत सी औरतों के घर और जिंदगी का अंधेरा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो फिर ये औरतें हमारे पास क्यों नहीं आती, हमारे पास क्यों नहीं लेकर आती अपनी तकलीफें? इसलिए कि उन्हें ये डर है कि चिंगारी संगठन उनके पतियों के साथ भी वही करेगा जो दूसरी औरतों के शराबी पतियों के साथ किया है, मारपीट करके सजा दी जाएगी। पत्ते छांटने से कुछ नहीं होगा शिवानी, जहरीला पेट तब तक जहर ही उगलता है जब तक उसकी जड़ें खत्म ना कर दी जाए, और ये शराब एक ऐसा जहरीला पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहरी और बहुत मजबूत है शिवानी, हमारे किसी ऐलान से वो खत्म होने वाली नहीं है। लगे रहे, इसीलिए हमें अपना यह शराबबंदी का ऐलान वापस ले लेना चाहिए। बात तो सही है जीजी, और तू अपना काम कर। ताई बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें शराबबंदी का फैसला तो वापस ले ही लेना चाहिए। नहीं बिन्नी, हम अपना फैसला वापस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो चिंगारी संगठन के लिए गए किसी भी फैसले को कभी कोई सीरियसली नहीं लेगा। हमारे किए फैसले ही तय करते हैं कि हम कितने के हकदार हैं।
फैसले गलत को सही करने के लिए लिए जाते हैं, खुद को गलत करने के लिए नहीं। और अगर हमारे फैसले में कोई कमी रह गई तो हम उसे ठीक करेंगे। हम एक नया सिस्टम बनाएंगे, सारे पहलू देखेंगे, लेकिन ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि शिवानी का हर फैसला उसका आखिरी फैसला होता है। बोल बातों वाली भाई, आप कौन सा नया शगुफा छोड़ने वाली है? तू मिलना चाहते हैं तुमसे। अरे वाह, लगता है आग दोनों जगह बराबर की लगी है। तू भी मेरे बारे में सोच रही है और मैं भी तेरे बारे में सोच रही हूँ। तेरी लाइफ का वन ट्रैक एजेंडा यही है कि तू किस तरीके से चिंगारी संगठन का सफाया करे, और मेरी लाइफ का इकलौता मकसद यही है कि किस तरीके से मैं चिंगारी संगठन को तेरी परछाई से दूर रखूं। क्या कमाल का रिश्ता है ना हम दोनों का, एक दूसरे की कद्र भी करते हैं और एक दूसरे की कब्र भी खोदते हैं। ये तो शराब की खुशबू है। बोल, क्यों मिलना चाहती है मुझसे, क्या बात करनी है? वही जो तुम और तुम्हारा चिंगारी गैंग एकदम फटाफट जल्दी इंस्टेंटली देने का वादा करता है, इंसाफ। अरे वाह, इंसाफ की देवी को चिंगारी गैंग से इंसाफ चाहिए? नहीं नहीं, हम तो बस आजमाना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम्हारे इस इंसाफ वाली बात में सच्चाई है या बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सब कुछ। तो ठीक है, फिर खुद ही आकर देख ले कि यहाँ पर क्या होता है। और वैसे भी इंसाफ मांगने वालों के लिए चिंगारी गैंग के दरवाजे हमेशा से खुले हैं, फिर चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। आ जा, इंतजार कर रही हूँ मैं तेरा, साथ में चाय पीते हैं। साई, ये देखो, ये शराब की बोतल यहाँ क्या कर रही है बिन्नी? अरे बताऊं तेरी अभी? अब जितना चाहे उतना मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दारू अंदर, हमें सिकंदर। कोई मुझे बताएगा कि शराब की बोतल यहाँ पर कैसे आई? रताई, यो पतली गली से कहाँ निकल रही है? बता, जिज्जी कुछ पूछ रही है थारे से। सर्दी बहुत है ना बाहर। हाँ तो? तो बस यूं ही, अरे घर में वो दवा दारू रखनी पड़ती है ना सर्दी जुकाम के लिए, तो बस वो दवाई समझ लो। कभी कभी सर्दी बाहर बहुत ज्यादा होती है ना, तो बस एक छोटा सा ढक्कन। हाँ दीदी, यो देखना ढक्कन भी कितना छोटा छोटा है। बिन्नी। हाँ जी जी, समझ गई, चल अंदर चल। आखिर चल क्या रहा है इस बातों वाली बाई के दिमाग में? ये तो सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है, करिश्मा सिंह। ओहो 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 ओहो, जो पहने आशा की बैंगल, बदल जाए श्रृंगार का एंगल, चल कर चूड़िया, अरे ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। आशा हो ना? यूकी, फिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं हमको, पर सोचने की बात ये है कि भला आपको हमसे क्या काम हो सकता है? तुम भी बदनाम कितने हिंदी कलाकारों की आवाज निकालती हो। हम महिला पुलिस थाना से आए हैं, तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ। महिला थाना? महिला जो मेरे भाई बदनाम की चाय की दुकान के सामने खुला है? नहीं, वही थाना जिसके सामने बदनाम की चाय की दुकान खुली है। अरे हाँ, वही जिसकी वजह से आपका थाना चलता है ना? नहीं, वो थाना जिसकी वजह से बदनाम की चाय की दुकान चलती है, समझ गई? हाँ तो भाई की सलाह के बिना तो आप लोग मच्छर भी नहीं पकड़ सकते ना, और उसकी सलाह के बिना तो आप लोगों का एक भी केस सॉल्व नहीं होता है ना? ये भी बदनाम नहीं कहा? हाँ, मेरा भाई है तो मुझे बताएगा ना, आप लोग को तो नहीं बताएगा, है कि नहीं? कंगना, जाहिर सी बात है कि उसी ने बताया होगा, बहुत बढ़िया। चलो मुद्दे पर आ जाते हैं। हमें पता चला है कि बाकी औरतों की तरह तुम भी अपने पति की शराब की आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो। उनके शराब की आदत की वजह से तुम्हारे घर में बहुत संकट आ गया है, बहुत परेशानियां चल रही है, ये बात सच है? नहीं, मेरा मतलब है नहीं, पहले फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, दिन भर रेहड़ी पर
काम करके थके हारे घर आते थे और थोड़ी बहुत शराब पीकर सो जाया करते थे, पर जब से चिंगारी गैंग ने शराब बंदी की है, अरे 150-200 रुपए की शराब 700-800 रुपए में बिकने लगी है। बताओ अब इनकी सारी कमाई तो ब्लैक की शराब खरीदने में चली जाती है। घर का सामान बेच बेच कर शराब पीने लगे। मेरे तो स्टिल लाइफ खराब हो गई कि मैं क्या बताऊं। इसीलिए आए हैं तुम्हारे पास। तुम चलो हमारे साथ वो शिवानी ताई के पास और उसको बताओ कि शराब बंदी करके उसने कितने घर खराब कर दिए हैं। उसको बोलो कि अपना वो फरमान वापस ले ताकि घर बेकार होने से बच जाए। चलो हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं चिंगारी गैंग के पास नहीं जाऊंगी। मेरी प्रॉब्लम सुनने की बजाय वो मेरे ही पति को पीटेंगी। देखो हम तुमको विश्वास दिलाते हैं, हम ऐसा ही करिश्मा सिंह हैं। हम तुम्हारे पति को कुछ नहीं होने देंगे, वचन देते हैं। देखो एक तुम्हारा ही पति नहीं है जो इस वजह से परेशान है, और कितनों के पति है। अब किस किस के पति को पीटती फिरेगी वो। मुद्दा तो शिवानी ताई को सच्चाई का आईना दिखाने का है ना, तो फिर भरोसा करो हम पर, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पति को। समझो हमारी बात को। तुम अभी अपने बारे में सोचो, और तुम्हारी तरह जितनी औरतें परेशान है अपने पति की शराब के पीने की आदत की वजह से, उन सबको बचाओ, उन सबकी मदद करो। तुम करोगी मदद? यूकी ठीक है, हम करेंगे आपकी मदद। सुनिए जी, कुछ पूछना है आपसे। जी पूछिए। क्या हमारे लल्ला ने सच में ऐसा कहा था कि खाला हमसे अच्छी अम्मा है और अगले जन्म में उसे खाला जैसी अम्मा चाहिए? कहा तो था। तो क्या खाला ने राजमा चावल खिलाए थे लल्ला को? हाँ, आपको कैसे पता? क्या हमसे भी अच्छे बनाए थे राजमा चावल? बता तो रहे थे कि खाना खत्म होने के बाद भी वो अपनी उंगलियां चाट रहे थे, और उन्होंने इतने स्वादिष्ट राजमा चावल पहले कभी नहीं खाए। पुष्पा जी फोन निकालिए ना, देखिए कौन है। उठाइएगा मत, सिर्फ देखिए। किसका फोन? डार्लिंग, मतलब हमारा लल्ला अपने पति को डार्लिंग बोलती हो ना? एक मिनट, पुष्पा जी हमारे पति हैं, हम फोन उठाएंगे। अरे आपका पति हमारा लल्ला भी तो है ना? हाँ, तो आपके बेटे को आप अपने फोन से फोन कीजिए, हमारा फोन से मत कीजिए। नहीं नहीं, हमें लल्ला से पूछना है कि ऐसा क्या खाला के राजमा चावल में उसे मिला जो आज तक हमारे राजमा चावल में उसे नहीं मिला, और अचानक हम बूढ़ी अम्मा हो गए और खाला उसकी असली अम्मा हो गई। हाँ दीजिए, हमें बात करने लगा। हेलो जी, बोलिए, कहिए। तेरी जस्ट बात वाली बाई का फोन आया था। वो यहाँ पर आना चाहती है मुझसे मिलने के लिए। किसी इंसाफ के बारे में बात करी थी, तेरा भी नाम लिया उसने। कह रही थी कि तू भी इसी केस पर काम कर रही है। पूरा मामला जानना चाहती हूँ मैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। आखिर मुझे भी तो पता चले कि किस फिराक में है तेरी ये मैडम सर। हमारे थाने के सामने एक चाय का ठिया है, बदनाम उसको चलाता है, उसकी बहन है। उसका पति ब्लैक में दारू खरीद रहा है और घर का बजट एकदम बिगड़ गया है। तो मैडम सर उसको लेके तुम्हारे पास आना चाहती है ताकि तुम्हें ये साबित कर सके कि तुम्हारी शराबबंदी की वजह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है लोगों के घर पे। उसके पति की खोपड़ी ठिकाने लगाने पड़ेगी। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी समस्या, ना रहेगा फरियादी।